हेलो दोस्तों, मैं हूं इंदर और आप देख रहे हो टेक्निकल इंदर। तो आज हम बात कर रहे हैं होन्ना के Y9 2090 की। यह स्मार्टफोन अभी 2-3 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है इंडिया में। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखिए और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है। सबसे पहले इसके डिजाइन की बात कर लेते हैं। यहां पे आपको मिल जाता है 6.5 इंच का फुल HD+ नॉच वाला डिस्प्ले। यहाँ आपको छोटी सी नॉच दी गई है, वो आप देख सकते हो। ये छोटी सी नॉच दी गई है, मतलब ज़्यादा बड़ी नॉच नहीं है, बट छोटी सी नॉच आपको यहाँ पे दी गई है। ये डिस्प्ले आती है, ये जो डिस्प्ले आती है, ये आती है 19:5:9 रेशो के साथ में। यहाँ पे आपको फ्रंट में दो कैमराज मिल जाते हैं, एक 13 MP का प्लस 2 MP का। मतलब यहाँ पे आपको डेप्थ सेंसर भी मिल रहा है। तो मतलब आप इस फोन के से मतलब जो है वो पोर्ट्रेट मोड ले सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बैक की बात करता हूँ तो बैक में आपको कर्व ग्लास दिया गया है, 3D ग्लास दिया गया है, ये आप देख सकते हो, मतलब थोड़ा सा कर्व। यहाँ पे जो आपको डिज़ाइन जो मिलता है वो आपको होनर 8X वाला ही मिलता है, जो आपको होनर 8X में दिया गया था। ऊपर यहाँ पे 16 MP का कैमरा लगा है और नीचे यहाँ पे 2 MP का कैमरा लगा है। जो 16 MP वाला कैमरा है इसमें है आपका f2.0 का पिक्चर, और 2 MP का जो कैमरा डेप्थ सेंसर के लिए लगाया गया इसमें है f2.4 का अपर्चर। ये दोनों ही कैमरा मतलब क्या AI के साथ में आते हैं। अब ये है, ये चार कैमरे वाला फोन है, मतलब दोनों चार, दो बैक में है, दो फ्रंट में है। तो भाई अब यहाँ पे बात आ जाती है कि प्रोसेसर कौन सा है। प्रोसेसर तो अब मैंने बोला था आपको कि होनर 8X के जैसा ही है स्मार्टफोन, तो इसमें भी आपको हाई क्रीन का 710 प्रोसेसर ही दिया गया है, जो कि एक न्यू प्रोसेसर मतलब अच्छा है, काफ़ी अच्छा जिसको बोल सकते हैं। मैं पुराना तो इसको बोल सकता हूँ, पर अभी न्यू प्रोसेसर है और 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। यहाँ पे ये डुअल बोल्ट को सपोर्ट करता है, तो मतलब आपकी दो पोजीशन भी इसमें चल जाएगी। यहाँ पे अगर हम रैम और स्टोरेज की बात करते हैं तो ये दो वेरियंट में आता है, 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज और 6GB RAM 128GB स्टोरेज। जो 4GB RAM 64GB वाले इंटरनल स्टोरेज वाले का जो प्राइस रखा गया वो है 15,990 रुपये। यार कुछ ज़्यादा ही प्राइस नहीं है? होनर 8X जब आपको मतलब 15,000 में मिल रहा है, तो आप इसके चार कैमरा के लिए 16,000 रुपये खर्च करोगे? यहाँ पे ये जो स्मार्टफोन चलता है ये चलता है एंड्रॉयड ओरियो पे, और ये जो इनका EMUI जो है उसके साथ में आता है। और कुछ नहीं, बस हो गया, इतना ही था। चार कैमरा मिल रहे हैं आपको, एक अच्छा सा प्रोसेसर मिल रहा है, बड़ी डिस्प्ले मिल रही है, और 4000 mAh की आपको यहाँ पे बैटरी मिल रही है, जो कि 10W के चार्जर के साथ में आती है। मतलब इसको चार्ज करने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो बस इतना सा है ओवरव्यू जिसको बोल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नहीं यार बता ही देता हूँ मैं आपको कि ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो भाई मत लो, जो मेरे फ्रेंक ओपिनियन है यार, अब 16,000 दे के आप चार कैमरों का क्या अचार डालोगे? यहाँ पे आपको मैं बैक कैमरा मतलब 16+2 MP का, वहाँ पे आपको होनर 8X में 20+2 MP का मिलता है। फ्रंट कैमरा थोड़े से दो दे दिए, वो भी 13+2 MP के, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप होनर 8X देख सकते हो जो इसके सिमिलर ही है, और तो फिर बाकी ब्रांड तो आपको पता ही है, फिर असूस हो गया, फिर रेडमी हो गया, फिर रियलमी हो गया, वो तो आपकी इच्छा है। अगर यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें बड़ा सा, साथ में कमेंट करके भी बताएं, और साथ में मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से, यहां से दिल से धन्यवाद।